कुछ दिन पहले खतौली कस्बे के इस्लाम नगर मोहल्ले में रहने वाला एक युवक अहमद अपने पिता इसरार के साथ एक परिचित एम्बुलेंस के ड्राइवर महबूब के साथ मरीज बनकर गाजियाबाद के शहीद नगर मोहल्ले में निकाह करने पहुंच गया। वह निकाह कर अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर भी पहुंच गया। युवक जिस इलाके में रहता है उसे जिला प्रशासन ने पहले ही सील किया हुआ था, क्योंकि यहां से कुछ कोरोना पॉजिटिव निकले थे। शादी का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अहमद और उसकी पत्नी को क्वारंटाइन कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने एम्बुलेंस के ड्राइवर महबूब अहमद और उसके पिता हाजी इसरार पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों को लेकर राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुट गई है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो आज रात को झारखंड पहुँच जाएगी। गुजरात के दाहोद जिले की उप जेल से कम 13 विचाराधीन कैदी शुक्रवार को अपनी कोचरी के ताले तोड़कर भाग गए। जिला पुलिस अधीक्षक हितेश जोयसर ने बताया कि घटना सुबह करीब 3 बजे की है। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया शहर की उप जेल से 13 विचाराधीन कैदी अपने कमरे और कोचरी के ताले तोड़कर भाग गए हैं। इन सभी पर गंभीर आरोप है। नगर आयुक्त औचक निरीक्षण करने पहुंचे नगर निगम कम्युनिटी किचन सेंटर के पैलेस नगर पर उन्होंने खाने को खुद खाकर खाने की गुणवत्ता को चेक किया। पत्रकारों से मुखातिब होकर उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में नगर निगम द्वारा खाने का वितरण किया जा रहा है, लेकिन अब बजट कम होने के कारण सरकार से मदद लेनी पड़ेगी। असम के लखीमपुर जिले के एक गांव में लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश पर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। इसमें 4 पुलिस कर्मियों समेत 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सहारनपुर में देवबंद से भाजपा विधायक ब्रजेश सिंह ने शुक्रवार को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जमातियों के कारण ही पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट बढ़ा है, लेकिन सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूर दिवस पर शुक्रवार को मजदूरों को सौगात दी। राज्य सरकार ने 30 लाख मजदूरों को भत्ते की किस्त जारी की है। साथ ही आज मई दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किस्त भी शुरुआत की गई है। उद्धव के लिए 27 मई तक विधानसभा के किसी भी सदन में चुना जाना आवश्यक है। राज्य मंत्रिमंडल ने 2 बार कोशियारी से सिफारिश की थी कि वह राज्यपाल के कोटे से ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करें। इसके बावजूद कोशियारी ने चुनाव आयोग से चुनाव कराने का अनुरोध करने का फैसला किया था। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस में मरने वालों की संख्या 2,28,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 32,20,000 को पार कर गई है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 61,000 को पार कर गई है और 10,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,993 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या कुल 35,043 हो गई है, जिससे 25,007 सक्रिय हैं। 8,879 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,147 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात में इस वक्त सभी की नजरें हैं, क्योंकि यहां कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की संख्या 10,000 के आंकड़ों को पार कर चुकी है और यही राज्य भारत में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है।